शाम जो इंटरेस्टिंग एक्शन हुआ है अमेरिकी बाजारों में, एटलीस्ट परसों की भारी गिरावट के बाद कल रिलेटिवली थोड़े स्टेबल रहे अमेरिकी बाजार, एंड मोर इम्पोर्टेंटली जो फेड के मिनट्स आए हैं जिसकी सबको नजर थी, इंतजार था, वहां से क्या संकेत मिल रहे हैं, आइए इन सब के बारे में जानते हैं नुपुर के साथ। नुपुर, गुड मॉर्निंग। वैसे तो 3-4 दिनों से काफी सुस्ती छाई हुई, कल उतनी बड़ी गिरावट नहीं आई, जरा बताइए कैसे रहे अमेरिकी बाजार और फेड का क्या कहना है? गुड मॉर्निंग। जैसे कि हमें स्टेबल परफॉर्मेंस थी, कल स्टार्ट पॉजिटिव हुए थे लेकिन थोड़ा मिला जुला एंड हुआ था ग्लोबल बाजार का। फेड मिनट्स की बात करें तो उन्होंने रीअफर्म किया है कि जो पॉलिसी में आ सकता है, जो हॉकिश स्टांस है उनका, जो रेट दर बढ़ाने वाले इंटरेस्ट रेट्स उस पर अभी भी रीअफर्म है, वो कन्फर्म करता है फेड के मिनट्स का आउटकम अगर हम पुल अप करेंगे तो। वहां पर उन्होंने कहा कि जो महंगाई, जो इन्फ्लेशन है वो अभी भी उनका जो लक्ष्य 2% का उससे फिलहाल काफी ऊपर है, ये उन्होंने हाईलाइट किया था उनके मिनट से हाईलाइट होके आया है। तो जिसके चलते बाजार अनुमान लेके चल रहा है कि जो हाइक हुए वो 25-30 बेसिस पॉइंट का हाइक अगली जो मार्च की पॉलिसी आएगी उसमें अब हो सकता है। वहां से ये भी एक पॉइंट निकल के आया है, जो लेबर मार्केट है वो काफी टाइट है, जिस हिसाब से लेबर जो जॉब्स का डेटा आया था उससे हमें इंडिकेशन मिल चुकी थी कि ये जो लेबर मार्केट है वो काफी टाइट है और ये फेड के मिनट से भी बाहर आया है। उन्होंने ये भी कहा है कि पिछले 3 महीनों में जो महंगाई के आंकड़े आए हैं उसमें मासिक गति से तो उन्होंने फॉल देखा है और वो एक कंसिडर करने जैसा पॉइंट है कि कमी तो हो रही है लेकिन अभी भी कुछ पॉइंट्स हैं जहां पे उन्हें महंगाई को लेकर जहां पे उनकी नजर रहेगी, जिन पे वो फोकस करेंगे कि दर को 2% के टारगेट पर ला सके। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि पिछले कुछ महीनों में महंगाई की दर जो है वो कम तो हुई है लेकिन सस्टेन होना जरूरी है, तभी एक डाउनवर्ड पार्ट कंसिडर हो पाएगा और उसके बाद ही अपना जो इंटरेस्ट रेट के स्टांस है उस पर वो फोकस करेंगे। इन ऑल अगर हम देखें तो एक ही आउटपुट आता है कि जो हॉकिश स्टांस है फेड का वो अभी भी रिफॉर्म होता है उस पर वो अभी भी बने हुए हैं। इसके चलते हमने देखा कि जो 10 ईयर की बॉन्ड यील्ड थी वो 3.92% के आसपास कल दिखी थी और जो डॉलर इंडेक्स था वो 104 के पार जाते दिखा, 104.5 के आसपास आपको डॉलर इंडेक्स भी कल नजर आएगा। सेक्टर स्पेसिफिक बात करें तो कल हमने फॉल देखा था क्रूड में, तो एनर्जी सेक्टर में कल सबसे ज्यादा बिकवाली का दबाव बना रहा कल के ट्रेडिंग सेशन में यूएस में। और स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो इंटेल में इंटरेस्टिंग 2% का कट नजर आया था क्योंकि कंपनी जो है वो अपने डिविडेंड को 60% से कम करके कल उसने अनाउंसमेंट की थी। जो क्वार्टरली डिविडेंड है वो उन्होंने $0.125 कर दिया, जो 60% की गिरावट वहां पे आपको दिखी थी, तो कम डिविडेंड के चलते स्टॉक में कल दबाव नजर आया था। इसके अलावा गूगल भी कल फोकस में था क्योंकि ऑफिस जो डाउनसाइजिंग कंपनी कर रही है उसके चलते उन्होंने अपने कुछ कर्मचारियों को कहा है कि आप जो अपनी डेस्क है उसे शेयर करें, तो ये स्टॉक भी कल फोकस में था। यूरोप को पुलअप करेंगे तो वहां भी इंटरेस्टिंग मूव था, तीनों इंडिसीज में एक मिला जुला प्रदर्शन दिखेगा, आधे से 1% की बढ़त और एक इंडिसीज में थोड़ा सा कट भी आपको नजर आएगा। और कमोडिटीज की बात करें तो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग मूव कल क्रूड में आया, 3 हफ्ते के निचले स्तर पे आपको दिखेगा, $80 के आसपास ये अब आ चुका है, तो ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है जहां आगे आज हमारे बाजार की भी नजर रहेगी और रिएक्शन दिखेगा। गोल्ड और सिल्वर की बात करें तो वहां भी कमजोरी आपको कल के ट्रेडिंग सेशन में नजर आई, मेटल्स में मिला जुला प्रदर्शन रहा। तो ऑल इन ऑल फेड की पॉलिसी कंफर्म करती है, रीअफर्म करती है कि ये जो महंगाई है वो अभी भी उनके टारगेट से काफी ऊपर है और रेट हाइक्स आ सकती है आने वाले एटलीस्ट मार्च और उसके बाद वाली पॉलिसी में। तो रेट हाइक्स के लिए तैयार रहिए, ये क्लियर संकेत आ गया फेड मिनट से। और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखा, रेंज थोड़ी कम हुई है कल बट वॉलेटिलिटी बनी रही और जैसा नुपुर भी बतानी थी, नीचे से देखेंगे तो 100 अंक ऊपर थे बट ऊपर से देखेंगे तो 200 अंक नीचे आपको डाउ बंद होते हुए दिखा है।